राम राम और भरत लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं हम अच्छा, भी भारत, लिखेंगे लक्ष्मण की शैली आती भरत था अच्छा लक्ष्मण की नहीं आती तो लक्ष्मण नहीं लिखेंगे भारत हो गया भारत हो गया भारत भरत सर लिखो लक्ष्मण ला बनाओ ला छा बनाओ ला छा देखो ऐसे बनाओ छा सही बोला हाफ वाला आधा ला छा मा मा और अड़ा अड़ा ये वाला क्या कर रही हो जिक्र कुछ नहीं क्या पढ़ रही हो हिंदी कल किस चीज का पेपर है कल हिंदी अच्छा सलाम करो सबको अच्छे से बोलो अच्छे से बोलो बोलो अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब कैसे हैं आप सब हाँ तो किस पेपर की तैयारी कर रही हो हिंदी हिंदी की अच्छा आराम हो गया आपको आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना क्या हुआ था फीवर और पेट में दर्द हो रहा था अच्छा बेचारी जिक्रा की तबीयत खराब हो गई क्या खाई थी जिक्रा रात हुँ? क्या खाई थी रात में फ्रेंच फ्राइज नहीं खाई थी फ्रेंच फ्राइज खाई थी और वो ओवर हो गया था इसीलिए पेट में दर्द हो रही है ना अब खाना मत क्या फ्रेंच फ्राइज मत खाना ठीक है नहीं तो और पेट में दर्द होगा तैयार हो गई हिंदी हिंदी तैयार हो गई मैं तो लिखे क्वेश्चन आंसर्स गंदा लिख रही है दवा लिख के आ गई ये क्या लिख के आई कोई बात नहीं पढ़ाई हो गई अब खाने में क्या खाओ खाने में क्या खाओगे क्या अच्छा डॉक्टर क्या बोले कुछ नहीं बोले फारसी बोले थे क्या फारसी में बात कर रहे थे क्या समझ नहीं आए कैसे बात करते समझ नहीं आता डॉक्टर का क्या करने के लिए डेयरी मिल्क लेके आई हूँ रुक जाओ फट नहीं रहा पकड़ो ये पकड़ो ये फट गया खाओ चलो तब चिकन बनाते हैं टेस्टी इसका टेस्टी है कितने का है एक कितने का है ये है 10 rupees 1 10 rupees का है कि दोनों कितने का है 5 rupees का है हाँ 5 rupees ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया है अब हम इसमें डालते हैं प्याज जो मैंने 2 medium size की ली हुई है ये देखिए जिक्र यहाँ पे बैठी है ये इसमें कुछ खड़े मसाले हैं जैसे जीरा है लौंग इलायची बड़ी इलायची और तेजपत्ता ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ अब हम इसको सॉटे करते हैं प्याज को अच्छे से ब्राउन होने तक ये देखिए हमारे चावल भी पकने लगे हैं वो खोलो जिक्र सॉल्ट का डब्बा
ये मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ, नमक डालने से प्याज थोड़ा जल्दी गल जाती है। नमक भी मैंने डाल दिया। अब हम इसको चलाते हैं। हाँ बंद कर दो। चिकन किसको खाना है जिक्रा? अच्छा, और किसको खिलाओगी? आपके पापा को। किसको? पापा को। बाबा को खिलाओगी? अच्छा, और चलो क्या हम क्या क्या इसमें हमने डाला है पता है आपको? ये इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? प्याज कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ओनियन कहते हैं। हाँ, जब बाबा से बोलो बाबा अजान हो रही है। देखो चावल भी पक रहे हैं। ये देखिए प्याज हल्के ब्राउन हो गई है। अब हम इसमें चिकन के पीसेस को डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन डाल दिया। ये मैंने हाफ के जी चिकन लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। कौन से? लेट्स ले लेना। आपको बस लेग पीस पसंद है? हाँ। क्यों? फेवरेट होती है लेग पीस। तो जिक्रा की फेवरेट लेग पीस है। आप लोगों को क्या पसंद है आप लोग बताइएगा। चिकन के कौन से पीस आप लोग को पसंद है? ये देखिए हम इसको अच्छे से भूनते हैं गोश्त को। क्या सिखाएं आपको? ये जो बना रही है चिकन बनाना। अरे अभी आप छोटे हो बेटा, अभी आप पढ़ाई करो। उसके क्या बनना है आपको पढ़ाई करके? पायलट बनना है। क्या करोगे पायलट बनके बेटा? पायलट बनना अच्छा लगता है। और क्या अगर पायलट नहीं, अच्छा अगर पायलट नहीं बन पाई तो उसके बाद क्या बनोगे? सेकंड चॉइस क्या है आपकी? सेकंड चॉइस क्या है अगर पायलट नहीं बन पाए? पायलट नहीं बने तो आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर बनोगी? और अगर आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाई तो उसके बाद? तो डॉक्टर बनोगी। अरे वाह, जिक्रा की तो बड़ी ख्वाहिशें हैं। पायलट फर्स्ट नंबर पे, पायलट सेकंड पे, आईएएस ऑफिसर थर्ड पे, डॉक्टर। किस चीज़ के डॉक्टर बनोगी? किस चीज़ के डॉक्टर बनोगी? बच्चों के डॉक्टर बनोगी कि बच्चों के डॉक्टर बनोगी? अच्छा अच्छा डॉक्टर बनोगी। अगर आपके पास कोई मतलब वैसा आया जिसके पास पैसे ना हो और कह दे कि आप हमारा फ्री में इलाज कर दो तो कर दोगी? हाँ, हमेशा लोगों की मदद करना। क्या हमेशा लोगों की क्या करना? मदद करना, हमेशा लोगों की हेल्प करना। आप मत करिए नहीं तो। हाँ, जो हेल्प करता है ना हमेशा लोगों की, तो अल्लाह पाक उसको बहुत नवाजते हैं। तो आप भी हमेशा लोगों की मदद करना, ठीक है? नहीं अभी नहीं हुआ, अभी इसको बनने दो, ठीक है? इसको हम भुनने देते हैं अच्छे से, ठीक है? अच्छा जिक्रा एक बात बताओ, आईएएस बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए और पायलट बनने के लिए तो बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आप पढ़ोगी? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पता है? तो पढ़ाई करोगी? लेकिन अभी तो आप पढ़ाई नहीं कर रही हो अच्छे से। अभी तो सेकंड में जाओगी तब पढ़ेंगे। क्यों सेकंड में जाओगी तब पढ़ोगी? अभी क्या कर रही हो? हाँ तो अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करो। आप तो हिंदी लिख ही नहीं पा रहे हो, पढ़ ले रहे हो लेकिन लिख नहीं पा रहे हो। अच्छा आप कितने इयर्स के हो अभी? फाइव इयर्स के हो सिर्फ? नहीं आप फाइव एंड सिक्स। नहीं गलत बता रही हो, आप 5.5 साल के हो। क्या अभी मई में 10 मई को आप हो जाओगे 6 ईयर के? तो जल्दी दिल लगा के पढ़ो तभी ना आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर और पायलट बनोगी, ठीक है ना? नहीं अभी हमारा चिकन भुन रहा है, इसको भुनने दो अच्छे से, ठीक है? हाँ इसको भुनने दो। ये देखिए चिकन अच्छे से क्या हुआ जिक्रा? भुन गया है। अब हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। क्या डालते हैं? नहीं आप नहीं खोल पाओगे ना इसलिए। हाँ ये हो गया 2 स्पून अदरक लहसुन का। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अब ये क्या है जिक्रा? हाँ
हाँ ये टमाटो है, इसको हम टमाटो इसमें डाल देते हैं। अब अच्छे से क्या करते हैं, इसको फिर से भूनने देते हैं जब तक कि टमाटर गल ना जाए, ठीक है। हाँ जब तक कि इसको अच्छे से भून देते हैं। इधर जो चावल है वो भी रेडी है, इसको बंद कर देते हैं। अब बताओ रोटी कितनी खाओगी? वन खाओगी? नहीं टू खाना, टू खाना, टू, क्योंकि आप अपनी अपनी फेवरेट चिकन बनवाई हो ना, ठीक है, टू खाओगी ना, ठीक है। आप टू वाली हाफ, हाँ टू वाली हाफ, टू वाली हाफ खाओगी और वन पूरी खाओगी? नहीं तो दोनों पूरी पूरी खा लेना ना। चलो ठीक है, आपकी टू आपकी बना देंगे। अब उसमें से आपको जितनी खाना होगा खा लेना, ठीक है। देखो जिक्र चिकन अच्छे से भुन गया है, भुन गया, भुन गया। अब हम इसमें डालते हैं, हाँ रेड चिल्ली डालते हैं। क्या डालते हैं? चिल्ली सॉस, चिल्ली, ये चिल्ली सॉस नहीं है, रेड चिल्ली मतलब चिल्ली पाउडर। कितना? वन स्पून डालते हैं, हाँ क्योंकि आप तीखा नहीं खाओगे ना। तीखा तो बहुत तीखा होता है। हाँ वन स्पून ये डालते हैं, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालते हैं और एक स्पून धनिया पाउडर डालते हैं। ये हमारे पास एवरेस्ट का चिकन मसाला है, एवरेस्ट का है, हम थोड़ा सा इसको डाल देते हैं। चिकन बटर चिकन वाला है? नहीं बटर चिकन वाला नहीं है, थोड़ा सा बटर चिकन बनाती हूं, वन स्पून के आसपास इसको डाल देते हैं, ठीक है। आपको डालना नहीं है, इसको अच्छे से मिक्स करना है। सब पे लग जाएगा, सिपले की पिस्ते थोड़ी लगेगा, सब पे लग जाएगा। अरे पे तो एक ही नहीं लगा। अरे भाई अभी लगेगा, वो अभी बनेगा ना, फिर पकेगा ना ये अच्छे से, तो नहीं तो मस्त टच मत कर। ये हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, वाटर, पानी वाटर थोड़ा सा डालते हैं। कितना? थोड़ा सा। अब हम फिर इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। हाँ मम्मा, अब इसके बाद कुछ डाल दें? नहीं अभी हम इसको अच्छे से इसको छिपा देते हैं। क्या छिपा के? इसको 5 मिनट के लिए पकने देते हैं, ठीक है। ये क्या है दिख रहा? ये है दही, दही। हाँ अब इसमें हम डालने, कोई बात नहीं, हम इसमें दही डालते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ये पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, हमारी चिकन करी ऑलमोस्ट तैयार है। पहले पता है विक्रम क्या घर पे होते थे ना, हाँ। जब हम अलीगढ़ जाते थे, हाँ। तो जब हम घर से खाना लेके जाते थे, जैसे जब हम हॉस्टल में रहते थे और घर से जब जाते थे तो खाना लेके जाते थे, तो बड़ी वाली भाभी जो थी, हाँ। तो हमको ऐसे ही चिकन बना के देती थी। नहीं, ये वाला? हाँ ऐसे ही चिकन, मतलब बस को बन... इसमें कसूरी मेथी डालते थे, हाँ। दो मतलब अगर सर्दी होती थी, सर्दी वाले मौसम तो उसमें खराब नहीं होता था, हाँ। 2-3 दिन खाते थे वहाँ पे, हॉस्टल में रखते हैं। मम्मा मैं समझ में आ रहा है आपको अच्छा बना रही है, हाँ, वो भी मेरा, ये भी मेरा फेवरेट है। पहले हम लोग पहले घर पे तो उस पे सील देखी हो, सील बट्टा? नहीं मम्मा नहीं देखी हूँ। पहले सील बट्टे पे मसाले लोग पीसते थे ना, अब हम लोग तो खड़े खड़े मसाले सारे डाल देते हैं, पीसे पीसे पहले मिक्सी में पीसते। अच्छा वही वाला ना, मम्मा जो सुनवा रहे हैं। हाँ सील बट्टा, इसको ढक देते हैं। हाँ जिक्र हमारा चिकन रेडी हो चुका है, अब क्या करोगे? अब हम लोग खाना खाएंगे। हाँ, बना के आराम से। अच्छा और खाएंगे खाना, और क्या खाना खाओगे? अच्छा और क्या करोगे? तो लोगों से बोलो, अब हम आपसे कल मिलेंगे। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।